यहाँ हमारा कई करोड़ का नुकसान हुआ था। अनाज मंडी तो भाई है कैन की, हम आज भी एप्लीकेशन लगा के आए हैं। रेत में मिल जाए भाई अनाज। फिलहाल यहाँ मेरे पास कम से कम 10,000 बैग तुला पड़ा है, बारिश आई थी ज्यादा। तो भाई लाखों करोड़ों का जो है नुकसान होने लग रहा है। आपने इस तसल्ली तो और के दिखा सकू हूँ, बिल्कुल रेत के अंदर और 10-12 जो 18-12 जितने भी गांव है उसकी जो गेहूं है इस मंडी में आवा है। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं जोर मीडिया। भाई फिलहाल गांव लोहारी रागो की अनाज मंडी के अंदर हम मौजूद है। अनाज मंडी तो भाई है कैन की, यह स्यामी जो आपने शेड दिखने लग रहा है, बताया जाओ है कि 18-19 गांव तक जो अनाज यहाँ पर आओ भाई, जो गांव लोहारी रागो की अनाज मंडी है और 18-19 गांव में तो जो अनाज आवा है उसके लिए सिर्फ 3 एकड़ का फड़ है, जिससे कि भाई जो किसान तो परेशान है ही है, साथ में जो एडती है भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि भाई उठान निकलने लग रही, गवर्नमेंट जो है उठान निकलने लग रही। हाँ जी, आधी सत्संग है। कौन सा अपना जो मंडी का एरिया है? लोहाना लू, जो 3 एकड़ का एरिया है। हाँ, मंडी के अंदर। हाँ, उसमें आधी तो सत्संग ने जगह ले ली। हाँ, सत्संग वालों ने ले ली। हाँ, आधी में 1.5 किलो में कितना अनाज पैदा आ जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरसों अभी तक नहीं उठी है? ना, अब तक पड़ी है, रोज ही आने लग रही है, डेली आने लग रही है। खरीद चल रही है अभी। अच्छा, तो आपके प्रशासन तक जो मांग चाहो? हम तो ये चाहूँ एक तो मंडी बढ़ाई जाओ। हाँ, और दूसरा उठान ये जल्दी करते, कुछ हमारे मौसम खराब है। बिल्कुल जी। हाँ जी, हम आज भी एप्लीकेशन लगा के आए हैं। तो भाई को देख सको हो, जो अड़ती हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आज भी एप्लीकेशन लगा के है इसी मुद्दे पे, जो अपने मुद्दे पे उठान जल्दी करो, मौसम खराब ऊपर। हाँ जी, जो यार रेत में मिलने लग रही है, रेत मिलने लग रही है। रेत वाली तो कट्ठी जरवा देंगे हम। हाँ, रेत वाली जरवा देंगे, लेकिन पानी आ गए तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, फिर ये जो रेत में जरवा होगा नहीं आपका, यू भी तो पैसा काम में खामे खा लगा। हाँ, पैसा बेकार का पैसा लगा, हमारा फालतू पैसा लगा। बिल्कुल नुकसान है। बिल्कुल, कुछ तिरपाल बिछे हुए हैं, जितने तिरपाल बिछे हुए हैं वहाँ तो दिक्कत है नहीं। जो जहाँ नीचे खिंड गई है, जो नीचे खिंड गई है उसको तो सारा इकट्ठा करवा के तिरपाल पंखा लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर होगी बारिश तो समस्या बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी हमारी, और हमारे को तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा इसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे कि बताया जाओ काफी गांव कितने हैं? कितने है? कम से कम 10-12 गांव आते हैं जी एरिया में। 10-12? हाँ जी। अच्छा, कल पता चला था 18-19 गांव का जिक्र है? 18-19 10-12 गांव ही है, अड़ोस पड़ोस के गांव है। हाँ जी, 10-12 गांव है, 18-19 नहीं है, 10-12 गांव है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दो। तो यह बहुत बड़ी समस्या है जिसको भी भाई सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि देखो भाई अनाज है, इसकी हमने इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि देखो लाखों करोड़ों का जो कर है, टैक्स है, यहाँ से जाता है भाई, और जो टैक्स भाई इसमें जो व्यवस्था है, लोहारी रागो की मंडी से लाइव जुड़ चुके हैं भाई फिलहाल, जो व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाने लग रहा। तो आप देख सकते हैं भाई किस प्रकार परेशान हो रहे भाई, अड़ती भी अपने जो रेता में जो अपने गेहूँ उसने गेड़न पर मजबूर हो रहे हैं। तो मेरे पास कम से कम 10,000 बैग तूले पड़े हैं। आपके पास? हाँ जी, फिलहाल यहाँ मेरे पास कम से कम 10,000 बैग तुला पड़ा है, जो अच्छा। उठान नहीं हो रहा। अच्छा, उठान की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होगी। बहुत बड़ी समस्या, देखो अच्छो चारों तरफ तुला ही तुला पड़ा है ये। बिल्कुल, ये देखने लग रहे भाई सामने आप, ये कट्टे देखो कितने बताए बैग आपने? 10,000 बैग है। 10,000 बैग भाई, तो देखो भाई ये दो फर्म है, दोनों फर्म में 10,000 बैग तुला पड़ा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और इसका उठान नहीं होने लग रहा, उठान नहीं होने लग रहा इसका। तो भाई देखो कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है भाई। देखो जो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ का अपील है कि भाई इस समस्या को संज्ञान में ले, और जो उठान है गेहूं का वो जल्द से जल्द करे, क्योंकि पता क्या हुआ भाई, यूए अनाज है, जब इसके ऊपर बारिश हो जाए सड़ जाए तो फिर वो है जो कोटा है उसमें देंगे जी। वो तो कोटा में तो देंगे, बाकी हमारा पिछले सन 19 में यहाँ हमारा कई करोड़ का नुकसान हुआ था मंडी के अंदर, कई करोड़ का। और अभी भी होने लग रहा है जी। अभी होने लग रहा है, क्यों? उस टाइम बारिश आई थी ज्यादा, बारिश आने में गोटे गोटे पानी चढ़ गया। बिल्कुल, पानी तो ये डूंगा एरिया है, ज्यादा चढ़ा है जी। चढ़ा जी, बिल्कुल। हाँ जी, ये सारे जी पानी जो बारिश सब गेहूं थी इसमें। बिल्कुल, कई करोड़ का नुकसान हुआ था। तो भाई लाखों करोड़ों का जो है नुकसान होने लग रहा है फिलहाल लोहारी रागो के अनाज मंडी से, मैं लाइव जुड़ चुका हूँ। तो भाई ये देख लो आपने इस तसल्ली तो और के दिखा सकूँ हूँ, बिल्कुल रेत के अंदर और 10-12 जो 18-12 जितने भी गांव है उसकी जो गेहूँ है इस मंडी में आवा है। तो भाई साथ में किसान भी बहुत बड़ी समस्या का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो भाई ये देखो, ये सामने भी देख लो भाई, ये बिल्कुल साइड में जमीन है, कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह है। वो देखो सामने जो शेड की समस्या, एक वीडियो में जिक्र आया था कि भाई शेड एक है, जो शेड है शेड की भी आनी एक देखने को मिली, जैसे कि शेड के ऊपर वर्षा होगी शेड का वो पानी ढेरा में पड़ेगा भाई साइड में जाकर, और इस साइड तो शेड है ही नहीं। 3 किले की जो मंडी है उसके अंदर सिर्फ एक ही शेड है, जिसके अंदर की भी सरसम पड़ी है, बताया जाने लग रहा है कि सरसम अभी तक जो सरसों का उठान नहीं होया है।
जैसे कि आप सब ने बेरा भाई देखो जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल कट के फारिक हो लिया है, सीजन कंप्लीट हो लिया, लेकिन फिर भी सरसों का उठान नहीं है अभी तक। तो आप जैसे कि देख सको हो फिलहाल कहन मत नहीं हुआ है कि भाई मैं जो गाँव लोहारी रागो की अनाज मंडी है उसके मैं खड़ा हूँ, लेकिन अनाज मंडी का नहीं अंदर नहीं खड़ा हूँ भाई मैं, जो साइड में जगह ले रखी है जो अड़ती है भाई अपना गाँव के जो कि अड़त का काम करा है, जो बेचा खरीदी का काम करा है। तो इसमें दो समस्या आने लग रही है, एक तो बताने लग रहे हैं कि जो मंडी का फड़ है जो इस नापे बैठ गए थे हाँ वह जगह थोड़ी है भाई, 3 किल्ले की जगह है जिसमें कि 18-19 गांव का जो अनाज है वो नोड़दा को नहीं, फिर क्या करना पड़े भाई अड़तिया ने मजबूरन हो गया साइड में जगह लेनी पड़े है, साइड में जगह किस लिए लेनी पड़े ताकि भाई वो जो अपना काम कर सके और काम तो कर ही कर सका है भाई। साथ में ऊपर देखो भाई जो बादल होने लग रहे हैं फिलहाल मौसम भी खराब, मौसम विभाग ने जो बता रखा है कि मौसम बिल्कुल खराब है, किसी भी टाइम वर्षा हो सका किसी भी टाइम बारिश हो सका है। और ये जो एरिया आप सामने देखने लग रहे हो जो ये मंडी का साइड का बिल्कुल साइड का एरिया है जो कि मंडी की जगह में बिल्कुल भी नहीं आंदा है, तो क्या होगा बारिश होगी इस जगह पर इतना पानी चढ़ जाएगा कि जिसमें कि भाई जो अड़ती के अनाज है उसमें इतना भारी मात्रा में जो नुकसान होगा भाई उसकी भरपाई कौन करेगा। जो बताया जाओ कि यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स लेकर चले जाओ जो कंपनी जो कंपनी वाले हैं, तो भाई फिलहाल देख सको ये गांव लोहारी रागू की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। तो फिलहाल ये देखो भाई बिल्कुल जो रेत आप नीचे देखने लग रहे हो रेत के अंदर अनाज पड़ा है जिसमें कि अड़तियाँ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो उसका है, नुकसान हो भी गा अगर इसी प्रकार से यह व्यवस्था बनी रही तो सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए भाई। फिलहाल देख सको हो बिल्कुल रेत में अगर वर्षा हुई होते ही यहाँ पर पानी आओगा, ऊपरली जो गेहूं है वह तो खराब होनी है होनी है, जो नीचे गेहूं है वह अलग, फिर बात क्या हुआ दूसरा नंबर रेत में मिल जाए भाई अनाज तो इसको पहले तो भाई इसमें मिल जाए है फिर इसकी सफाई हो है, तो इसमें दोहरी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो भाई सरकार से यही अपील है कि भाई मुद्दे पर गौर फरमाया जाओ और इस मंडी की जो जगह है इसको बढ़ाया जाओ, क्योंकि जो 18-19 गांव का जो अनाज है वो 3 किल्ले में समेट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तो भाई समस्या जो है साइड साइड की नहीं है, लेकिन आप देख सको जो गेहूँ के ढेर है इस साइड लग रहे हैं और जो साइड लग रहा है इसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जड़ साइड नहीं लग रहा उसकी प्रॉब्लम तो है लेकिन जड़ लग रहा है इसके ऊपर पानी जो पड़ेगा, ऊपर बादल देख लो भाई ये खतरा के बादल है भाई जो कि किसान और जो अड़ती उसके लिए भाई दुश्मन बन रहे हैं। फिलहाल दुश्मन किस तरीके से बन रहे हैं साइड पर पानी पड़ा और सारा का सारा पानी पड़ना इन ढेरों के ऊपर और ढेरों में पानी पड़ते हैं तीन में नहीं बचता कुछ भी भाई, फिर वही बात से सारी करी कराई मैंने तुझे खराब। तो भाई सरकार से हाथ जोड़ करके अपील है भाई मामले को संज्ञान में लिया जाए और इस चीज़ की व्यवस्था कराई जाए भाई ताकि यो अनाज खराब ना हो, इस अनाज की बेइज्जती ना हो, अन्न की बेइज्जती ना हो।